नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशुभ और ये वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कलर्स। कलर्स के साथ आप कैसे खेल सकते हो और उससे आप अलग से एक ड्रामेटिक और मूडी इमेज क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कलर थ्योरी के बारे में, तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फूड फोटोग्राफी में कलर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके इमेज में एक अलग से ड्रामा और मूड डालती है। तो कलर थ्योरी काम कैसे करती है या फिर कलर्स आपके इमेज में काम कैसे करते हैं, तो बेसिकली ये तीन थ्योरीज जिसका इस्तेमाल करके आप आपके इमेज में जो कलर्स यूज़ करने वाले हो उसका आपको एक रेफरेंस मिलता है। जैसे कि फूड का कलर हो गया, बैकग्राउंड का कलर हो गया, जो प्रॉप्स है उसके कलर हो गए, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसके अराउंड ये कलर थ्योरी प्ले करती है और जिससे आपका फूड फोटोग्राफी गेम और एक लेवल अप होता है। तो सबसे पहले देखें ये कलर व्हील। तो ये कलर व्हील में हमारी जो जितने भी कलर्स हैं वो सब कलर्स हैं, उसके अलग अलग शेड्स हैं। सेंटर में वाइट है और बाहर जो रहता है आउटसाइड कलर वो ब्लैक रहता है और बीच में हमारे जो कलर्स हैं उसके अलग अलग टोन्स रहते हैं। तो ये जो कलर थ्योरीज है तो ये पूरी की पूरी खेलती है ये कलर व्हील के अकॉर्डिंग। तो आपको ये कलर व्हील ध्यान में रखना है, इसको आप एज ए रेफरेंस पॉइंट लेके आपको कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है मोनोक्रोमैटिक थ्योरी, जो कि मेरी पर्सनली फेवरेट थ्योरी है, जिसमें ये आपके इमेज को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है, एक मूड और एक ड्रामा इसमें क्रिएट करती है। तो मोनोक्रोमैटिक थ्योरी, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो इसमें हम एक ही कलर्स के शेड हम लोग हमारे फ्रेम में यूज़ करेंगे, जो भी बैकग्राउंड्स हो, प्रॉप्स हो, फूड हो, वो सेम कलर का है, फिर उसी शेड का रहेगा। तो सबसे पहले देखिए ये बनाना की फ़ोटो, तो इसमें हमने सारे येलो कलर्स ही यूज़ किए हैं, येलो कलर का बैकग्राउंड यूज़ किया है और येलो कलर का हमारा फ्रूट ही है, तो सब यहाँ पे येलो ही है। तो ये हमारी हो गई मोनोक्रोमैटिक इमेज। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ये है गुलाब जामुन, सबके फेवरेट। और आप इसमें देखिए तो ब्राउन्स के अलग अलग शेड है। बैकग्राउंड जो है वो मैंने वुडन यूज़ किया है ब्राउन, हमारे गुलाब जामुन तो ब्राउन होते ही है। जो स्पून यूज़ किया है, जो कटोरी में रखा है मैंने उसको, तो वो जो कटोरी है वो भी मैंने ब्राउन कलर की यूज़ की है। तो ब्राउन्स के अलग अलग शेड है, ब्राउन कलर ही इसमें दिख रहा है। तो ये हमारा अगेन मोनोक्रोमैटिक कलर हो गया। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही थ्योरी यूज़ करता हूँ। जैसा अभी भी आप देख सकते हो कि मैंने टी शर्ट ब्राउन पहना है, मेरा बैकग्राउंड ब्राउन है और मेरा वॉच भी ब्राउन है, तो ये एक मोनोक्रोमैटिक थ्योरी बन गई यहाँ पे। तो आप सिंगल कलर के शेड्स यूज़ करके जो फोटो शूट करोगे उसको हम मोनोक्रोमैटिक कलर थ्योरी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी क्या बोलती है कि एक दूसरे के सामने जो कलर्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि येलो के सामने पर्पल है वो यूज़ करेंगे, ब्लू के सामने ऑरेंज है वो यूज़ करेंगे, रेड के सामने ग्रीन है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ये केक का शॉट है जो मैंने ऑरेंज कलर का केक है यहाँ पे, और कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी बोलती है कि उसके सामने ब्लू कलर है तो आपको ब्लू कलर का यूज़ करना चाहिए। तो आप देख सकती है कि मेरे जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है, जो प्लेट्स है, जो मैंने क्लोथ यूज़ किया है, जो मैंने प्लेट यूज़ की है, वो मैंने अगेन यहाँ पे ब्लू यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर में लिए। या फिर ये वाटरमेलन ड्रिंक देखिए, तो हमारा वाटरमेलन का ड्रिंक रेड कलर का है, उसके सामने ग्रीन कलर है, तो मैंने पुदीने के पत्ते डाल के उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी की, एक दूसरे के सामने जो कलर्स है वो हमें यूज़ करते हैं। थोड़े से साइड के कलर्स लिए तो भी चलता है, एकदम एग्जैक्ट सेम सिमिलर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपोजिट साइड के कलर्स चाहिए उसके। ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कुछ हटके दिखाना होता है कि कुछ खट्टा है या फिर कुछ एकदम स्पाइसी है, या तो ये कुछ ऐसा अलग उसका टेस्ट रहेगा, तो वो दिखाने के लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ। हमारी तीसरी थ्योरी है एनालॉग थ्योरी। तो फिर से हमारे कलर व्हील के ऊपर चलते हैं। एनालॉग थ्योरी क्या कहती है कि जो कलर्स एक दूसरे के बाजू में है वो यूज़ करना है। जैसा कि येलो के साइड में हमारा ग्रीन है या फिर ऑरेंज है, तो आप येलो के साथ ग्रीन ऑरेंज ये यूज़ कर सकते हो, या फिर तो ब्लू के साथ में ग्रीन है पर्पल है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो बाजू के जो कलर पैलेट्स हैं वो आपके आपके फ्रेम में यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे अगेन हमारे आम पन्ने का शॉट देखते हैं कि जिसमें हमारा ड्रिंक जो है, यहाँ पे जो हमारा आम पन्ना है वो येलो कलर में है और उसका एनालॉग कलर है ग्रीन, तो मैंने कैरी यूज़ की है यहाँ पे, तो ये एक एनालॉग कलर हो गया। और जो नीचे मैंने बेस के लिए जो जूट मटेरियल यूज़ किया है वो ऑरेंज या फिर ब्राउन कलर का है, तो वो ये येलो के ये वाले साइड में भी एक कलर है साइड का ही, तो ये तीनों कलर एक साथ आके ये इमेज क्रिएट कर रहे हैं इसको हम लोग, तो इसमें हम लोग ने एनालॉग थ्योरी यूज़ की है। सेम वे अगेन यहाँ पे मैंने नूडल शूट किया है, जिसमें हमारे जो नूडल्स है ये येलो कलर के और बैकग्राउंड जो है ग्रीन कलर का है,
अगेन येलो एंड ग्रीन एनालॉग कलर्स है, तो अंदर जो मैंने गाजर और जो कुछ स्टफिंग्स डाले हैं वो ऑरेंज कलर के डाले, तो अगेन यहाँ पे ऑरेंज येलो एंड ग्रीन ऐसा एक एनालॉग वापस से कलर कॉम्बिनेशन बन गया, तो इसे हम लोग कहेंगे एनालॉग थ्योरी। दोस्तों बहुत ही सिंपल थ्योरीज है ये यूज करने के लिए, आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि आप कौन से कलर के साथ खेलेंगे, और आपको एक ये रेफरेंस भी देता है कि हाँ आप ये आपका फूड का कलर ये है तो आप ये कलर का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, ये कलर का प्रॉप यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारी बेसिक तीन थ्योरीज कलर के बारे में, मोनोक्रोम, कॉम्प्लीमेंट्री और एनालॉगस, तीनों को आप इस्तेमाल कीजिएगा आपके फूड फोटोग्राफी में और आपको ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि कितने अलग से आपकी इमेजेस नज़र में आती है। तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं, आप कौन सी भी थ्योरी ले लीजिए उसका एक एक फ़ोटो निकाल के मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, यहाँ पे मैं मेरा इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, तो मैं आपकी इमेज को रिव्यू कर पाऊँगा और आपको कुछ चेंजेस या फिर क्या अच्छा है वो आपको मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। या और हाँ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइए कि फ्यूचर में मैं कौन से टॉपिक्स कवर करूँ, क्या टॉपिक्स आपको अच्छे से समझने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और यहाँ तक देखा रहेगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट होता है, मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो करने के लिए। आई होप यू ऑल आर सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।